अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल क्यूजिंस। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी शीर खुरमा की, और बहुत ही डिलिशियस और टेस्टी और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड में आपको रेसिपी की इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। शीरखुरमा बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क को बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पर हम 2 लीटर्स ऑफ मिल्क बॉईल कर रहे हैं। उसके बाद शीरखुरमा बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, और घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर लिया है 1/2 कप ड्राई फ्रूट्स चॉप्ड किए हुए। ड्राई फ्रूट्स को पहले सोक कर लें, उसके बाद इस तरह से चॉप करके फ्राई कर लें। तो घी गर्म हो जाए तो उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके उसे हल्का सी सॉटे कर लेंगे। हल्का सी गोल्डन ब्राउन होने तक घी में ड्राई फ्रूट्स को सॉटे कर लें। थोड़े सी फ्राइड ड्राई फ्रूट्स हम अलग से निकाल देंगे शीरखुरमा के ऊपर गार्निश करने के लिए। अब यहाँ पर लिया है 1 कप सेवई। सेवई को इस तरह से बारीक कर लें। इसे भी घी में हल्का सी भून लेंगे, तो 1 मिनट के लिए सेवई को भी अच्छी तरह से भून लें। और जब सेवई अच्छी तरह से भून जाए तब इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड मिल्क। मिल्क ऐड करके मीडियम फ्लेम पे स्टर करते हुए कुक करना है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। शुगर ऐड करके मीडियम फ्लेम पे स्टर करते हुए कुक करना है। साथ ही पिंच ऑफ सैफ्रन भी ऐड करेंगे। सैफ्रन भी ऐड करके अच्छी तरह से स्टर कर लें। अब साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ इलायची और जायफल का पाउडर। इलायची और जायफल का पाउडर ऐड करके अच्छे तरह से स्टर कर लें, और उसके बाद शीरखुरमा को लिड क्लोज करके 15 मिनट्स के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और लिड हल्का सी ओपन रखेंगे। इस तरह से हल्का सी लिड ओपन रखकर कुक करना है, और 15 मिनट्स बाद शीरखुरमे को अच्छी तरह से स्टर कर लें। अब शीरखुरमा को अच्छी तरह से स्टर करके पूरी तरह से लिड क्लोज करके लो फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए दम पे रखेंगे, और 15 मिनट्स बाद शीरखुरमा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए।
अब बेहतरीन सा शिरकुरमा सर्व करेंगे। टोटल शिरकुरमा को कुक करने के लिए 30 मिनट्स लगे, तो 15 मिनट्स आपको बगारने के बाद उसे स्टर करते हुए कुक करना है और 15 मिनट्स दम पे रखना है। फ्राइड ड्राई फ्रूट्स के साथ शिरकुरमा गार्निश करके सर्व करेंगे। फ्राइड ड्राई फ्रूट्स के साथ शिरकुरमा बड़ा मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी और बेहतरीन सा शिरकुरमा की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और गर्मा गर्म शिरकुरमा फ्राइड ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करें, सर्व करें और इन्जॉय करें। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।